अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप जो है वो डबल क्लिक बेट थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो आप थंबनेल बनाना सीख लोगे ना, आपको डबल व्यूज आएंगे। मैं आपको बता दूं किस तरह बनाना है इस वीडियो के अंदर। आपने जो है उस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप जो भी थंबनेल बना पाओगे ना, उसके अंदर हाई लेवल के थंबनेल बनेंगे। एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, आपको पता होगा, आपको इजिली प्ले स्टोर से मिल जाएगी विदाउट पैसे दिए, मतलब इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो थंबनेल किस तरह बनाना, तो इसको पहले मेरा नाम जाने, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजीम ऑनलाइन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थंबनेल किस तरह बनाना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, तो देख लें आज की वीडियो। गाइस, आपने सिंपल से जो है वो अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना, आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आपने फिर इधर नीचे से जो है क्रॉल कर लेना, ठीक है। गाइस, आपने जो है वो फोटो चूज कर लेनी है, वाइट करनी है, फिर आपको जो थ्री डॉट पर मिलेंगे, फिर आपको जो है साइज सेलेक्ट करना है। आपने इधर कस्टमाइज पर क्लिक करना है एक बार, फिर आपको दिखेगा यूट्यूब थंबनेल, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये साइज लगा देना, ठीक है। गाइस, फिर आपने क्या करना है, ठीक है। गाइस, फिर आपको ये जो आपको डब्बा सा दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है, इधर से कोई भी बैकग्राउंड वगैरह चूज कर लेना है, ठीक है। गाइस, अब फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर से जो हमने कलर वगैरह लेना है वो है हमारे पास रेड, तो इस तरह का कलर लेना है। थोड़ा सा इसको जो है वो हमने इस तरह कर जो है वो इस साइड लगाना है, ठीक है। गाइस, ये देख लें, मैंने इस तरह कुछ कर लगा दिया, देखें। फिर आपने फिर इस पर क्लिक करना है, एक और इस तरह सा जो है लगाना है, ठीक है। गाइस, मैं लगाता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। तो गाइस, फाइनल मैंने वो भी लगा दिया, ठीक है। गाइस, फिर आपने इस पर शेप पर क्लिक करना है एक बार, ठीक है। इसको जो है इसके बराबर करना है एक बार, ये देखें गाइस हो चुका है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और फिर आपने जो इधर से जो कलर करना है ब्लू, ठीक है। ब्लू करने के बाद आपको जो है वो सबसे इधर आना है, फिर आपने जो है वो इसको फ्रंट बैक पर कर देना, ठीक है। गाइस, जैसे आप फ्रंट बैक पर करोगे तो ये जो है वो पीछे चला जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर गाइस, आपने जो है वो इधर ये देखा, आपको ये देखने को प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने करना है फॉर गैलरी पर क्लिक, ठीक है। गाइस, आपकी गैलरी की फोटो वगैरह जो है वो सबसे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। गाइस, मैंने कुछ जैसा कि आपको दिखाया था थंबनेल उस तरह का बनाना है, तो मैंने एक फोटो ले लेनी है ये वाली, ये देखें गाइस, इसको जो आपने थोड़ा सा क्रॉप करना है, ठीक है। गाइस, इस तरह, ठीक है। गाइस, आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अच्छे से आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। इस तरह आपने कोई फेस लगा लेना, ठीक है, इसको बड़ा कर दें, ठीक है। इसकी जो है वो ओपेसिटी जो है वो हमने कर देनी है कम, ये देखें कुछ इस तरीके से ओपेसिटी मैंने कर दी कम, ठीक है। गाइस, कम कर दी, ये देखें कुछ इस तरह का बन गया। अपने क्रॉप करें एक बार फिर से, ठीक है, वो थोड़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। गाइस, इसको जो इधर ही रहने दें, फिर आपने जाना है फिर से गैलरी के अंदर। जैसे गैलरी के अंदर जाओगे, ये मेरी मैंने फोटो ली कैरी मनाती की, क्योंकि मैं रोस्ट वाली वीडियो बना रहा था ना कैरी मनाती पर, तो इसलिए इसका ये थंबनेल लिया मैंने। इसका जो हमने कर दिया, इसको इधर हम लगा लेते हैं इस तरह, जो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर फिट कर देते हैं। इसको भी, इसकी भी ओपेसिटी जो है वो मैंने कम कर दी, देखें। गाइस, ये देख लें, फिर कॉपी कर एक बार फिर से, ये देखें, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा छोटा कर इधर फिट कर देता हूँ, इधर, ये देखें कितना अच्छे से बन जाएगा। फिर आपने जो इधर गैलरी पर फिर से चले जाना है, अपनी कोई भी फोटो वगैरह जो है वो आपने ले आनी है, जैसे कि मैं ये ले आता हूँ, ठीक है। गाइस, इसको जो है वो इस तरह मैं बड़ा करूँगा, ये देखें कितनी अच्छे से बन जाएगी, हैवी फुल HD थंबनेल बनाना है। फिर आपने इधर इसको इस तरह फिट करना है, फिर आपने थोड़ा सा क्रॉल करना नीचे, फिर आपको कलर फिल्टर पर क्लिक करना है। आपने थोड़ा सा ये जो हेलो होगा ना, इसको थोड़ा सा आपने जो है थोड़ा सा बढ़ाना है, 8-10 कर लें, ठीक है। गाइस, 10 कर दें, और आपने जो कंट्रास्ट को जो है वो 5-7 कर देना, ये देखें कुछ आपकी जो फोटो है ना वो बहुत अच्छी लग जाएगी, ये देखें। इसको भी बना देना ब्राइटनेस को आपने थोड़ा सा 10 कर देना, और कंट्रास्ट जो है वो आपने कर देनी है इतनी, 10 ही कर दें कंट्रास्ट, ये देखें फोटो कितनी अच्छी हो जाएगी। फिर से आपने इस पर क्लिक करना, गैलरी पर चले जाना है, और फिर आपने कैरी मनाती की जो भी मतलब फ़ोटो वगैरह हो थंबनेल बनाने के लिए वो लानी है, ये देखें। इसकी फ़ोटो जो है वो हम इधर कर बैक फ्रंट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये देखें बहुत ही चली गई। फिर आपने जो है इसको इधर वापस लाते हैं, ये देखें, इसको जो वो आप ऊपर लाएँ, देखें, ये देखें कितनी अच्छी से फिट हो जाएगी, ठीक है। गाइस, जैसे आप आएंगे, ये देखें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं फ़ोटो वगैरह को, ये देखें, और कैडी बनाती भी अच्छे से दिखने लग गया, ये भी दिखने लग गया। फिर आपने इस पर क्लिक करना है, कोई टाइटल वगैरह लिखना, आपने इधर क्लिक करना, टाइटल पर क्लिक करें एक बार, इधर से जो कोई भी टाइटल लिख दें, मैं लिख लेता हूँ ROST रोस्ट, ठीक है। गाइस, स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो उन पर मत गौर करना, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको भी बताना है, ठीक है। फिर आपने जो है वो इधर, ये देखिए, साइज़ पर क्लिक करना एक बार, साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर इधर जिस मतलब कि जिस जगह आपने लगाना हो उस तरह करें, और फिर कलर वगैरह जो भी चूज़ करना वो कर दें, और ये देखें थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा। आप इधर से फ़ोन वगैरह कोई भी लगा सकते हो जो भी आपको पसंद हो। इंशाल्लाह एक और भी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि
और किस तरह थंबनेल बनाएं, ये देख, ये तो मैंने बताया ना इजीली रोस्ट थंबनेल किस तरह बनाएं, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक करें, इधर से इमेज लाएं और इधर से आप अल्ट्रा पर सेव कर दें, आपका HD थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा, आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना लाजमी बात। आप उस वीडियो को देखकर आ चुके होंगे, आपको मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस तरह आप मदद किसी की करोगे तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, और आपका अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अभी भी रह गया तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अजीम अहमद 1 है, तो आप फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, खुदा हाफिज़।